यूएनएससी में वीटो के लिए भारत ने फिर काटा तगड़ा बवाल। इस बार भारत के लिए P5 नेशंस से उलझा सबसे ताकतवर अरब देश। सऊदी अरब ने भारत के सपोर्ट के लिए काट डाला यूएन में हंगामा। सऊदी ने तगड़े एक्शन से अमेरिका को भी करवा दिया साइलेंट। गाजा के मामले पर टेंशन में अमेरिका, भारत की बात मान सकते हैं सभी स्थायी सदस्य देश। दोस्तों, इस साल के मिड तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत एंट्री लेगा या नहीं, आपको कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत दुनिया से सपोर्ट हासिल कर रहा है। एस जयशंकर ने यूएन के P5 देशों को साफ कह दिया है कि अगर भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं होगा तो फिर भारत इसी साल इस संगठन को छोड़ देगा। यहां पर हम आपको ये बता दें कि भारत के पास 2-3 ऐसे विकल्प हैं जिन्हें भारत ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि भारत इस बार यूएनएससी के वीटो पावर और स्थायी सदस्यता के लिए आर अपार की जंग लड़ रहा है। ऐसे में भारत ने 2 कदम पहले ही उठा लिए हैं। पहला, भारत जो यूएन को हजारों करोड़ों रुपए लूटा रहा था, उन्हें भारत ने महज 150 करोड़ तक निपटा दिया है, यानी यूएन को दिए जा रहे फंड को सीमित कर दिया है। वहीं यूएन पीस कीपिंग में जाने वाली भारतीय सेना को भी वापस बुलाने के लिए कह दिया है। भारत के इस एक्शन के बाद हर दिन भारत के सपोर्ट में दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। रूस लगातार भारत का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत अब खुद रूस समेत सारे के सारे P5 देशों को लपेट रहा है। भारत का कहना है कि भारत को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खुद फैसला लेना है और तुरंत लेना है कि भारत इस संगठन का हिस्सा होगा या नहीं। दोस्तों, भारत ने इस मिशन को लेकर एक बार फिर से हिला देने वाला काम कर दिया है। ये तो आप भी जानते हैं कि इन दिनों अरब देश भारत के साथ काम कर रहे हैं और लगातार हर काम में भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। और अब एक ताकतवर अरब कंट्री ने यूएनएससी में भारत को वीटो दिलान के लिए जिम्मेदारी ली है, और ये देश है सऊदी अरब। जी हाँ, यूएनएससी में भार का पक्ष मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। ये पहली बार हो रहा है कि मुस्लिम देश भी भारत के साथ आ गए हैं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आप भी चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को वीटो मिले, स्थायी सीट मिले, तो अपनी राय बताते हुए वीडियो पर अपना 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूएनएससी में भारत के सपोर्ट के लिए उतरा सऊदी अरब। भारत का लगातार मजबूत हो रहा पाला, टेंशन में चीन। दोस्तों, स्क्रीन पर आप ये खबर देखिए, भारत को वीटो दिलाने अब दुनिया के देश भारत की तरफ भाग रहे हैं, और अब इन देशों में सऊदी अरब का नाम भी शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, बल्कि सऊदी ने अमेरिका को भी लपेट दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए सऊदी अरब ने जोरदार समर्थन करते हुए, सऊदी ने कुछ ऐसा कहा है कि चीन से लेकर अमेरिका तक के तोते उड़ गए हैं। साथ ही सऊदी अरब ने परिषद में सुधार करने को भी कहा है। राजनीतिक लिहाज से भारत के लिए यह बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है, और भारत इस दिशा में जो काम कर रहा है उसका समर्थन यूएन के सभी सदस्यों को करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए परिषद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यूएनएससी में भारत के लिए सऊदी अरब ने यह एक्शन क्यों लिया है और क्यों वो भारत के लिए इन देशों से उलझ रहा है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सऊदी ने अमेरिका को किस तरह से लपेटा है। आपको बता दें कि हाल ही में गाजा में तत्काल युद्ध विराम को लेकर अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अमेरिका नहीं चाहता है कि गाजा में युद्ध रुके। अगर अमेरिका युद्ध विराम के पक्ष में होता तो फिर अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल जरूर करता। अमेरिका को लपेटते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका के ऊपर गाजा पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है, यानी दूसरे देशों पर दबाव बनाने वाले अमेरिका पर भारत की वजह से इस बार सऊदी अरब ने दबाव बना दिया है। आपको बता दें कि भारत बार बार यूएनएससी के विस्तार को लेकर आवाज उठाता रहता है। 5 स्थायी सदस्यों को भी भारत हमेशा चुनौती देता रहता है। भारत की ओर से कोशिश की जा रही है कि उसे भी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाए। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस शामिल हैं।
इसे P5 देश के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा कि आखिर कब तक 5 स्थायी सदस्य 188 सदस्य देशों की इच्छाओं पर शासन करते रहेंगे। बदलाव जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसके बावजूद भी भारत अब तक यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। हालांकि दोस्तों, आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।